हाँ जी, कल मेरे भ्रा ने मेरी इन्नी बुरी हालत की थी, ये कोई काम है जो तू करनी नहीं है? मेरी तो शर्म समझ नहीं आती, तू कि काम करा दी है? महा यार, जिदे बिच मी मजा आंदा मी ओ काम करन दियो, ए कोई काम है ताई? मी तेरे पर गुस्सा चढ़दा, मैं चढ़दा ते जा चढ़दा रहो, मेरा की लाड़ा, अपना खून फूक करा तू, मैं मजा मजे कर जी। मम्मी पापा की कुछ नहीं कहंदे? मम्मी पापा भी सुनांदी है नहीं उनको देखते देखते ना शर्म आंदी है, ये की करा दी ए, मेरा भरा पता मी किन्नी बारी आखदा, मी जल्ले स्कूल डांस करदी नी उल्ले भी आखदा ये की करी आ रही मम्मी, इसी आख कर उत्थे नहीं नच्चा कर, मी शर्म आंदी है। मम्मी आदी नचदी हो तू ही शर्म आंदी है। दीक्षा नहीं आई ना तो मतलब दिन बेकार गया। लेकिन कॉमेडी च मेरी कोई वो नहीं कि मैं कॉमेडी च जाना है, लेकिन मैम हमारी जो मतलब HOD है उन्हें आख्या कि तुम जाओ, हमारी मतलब डिपार्टमेंट का भी कोई होना चाहिए, तो मैं आई अगे मैम। स्क्रिप्ट सारी मैडम ने दी कि आप नहीं आपू तैयार की, ये पिछले मेरी भैन का हथ है, भैन सुना के पहले घर असाया ही ट्राई किया कि वह हसदी पी है कि नहीं हसदी पी है। हाँ जी, प्रैक्टिस की ही 2-3 बार प्रैक्टिस की, उन्हें गए सारा कुछ लिखी दिता, इं बोलिया इं एक्सप्रैशन दे ये कर, मैं सारा कुछ बोलिया, मतलब कॉमेडी तो मैं फर्स्ट टाइम की, अज इधर आई है सैकंड टाइम की, पहले कद नहीं कि लग रही है जिस वे स्टेज पर जानी उस वे डर लग रही है। नर्वसनैस तो होंगी है सारी होंगी, मतलब कुछ भी करना हो पहले बारी नर्वसनैस तो होंगी, एक मतलब डर हों कि अस जाने कदे मतलब कुछ ऐसा वैसा नहीं बोली उड़चै कि सामने वाले साढ़े पेरेंट्स देखी लैन कि इं बोला दी इं बोला दी। लेकिन इधर मैं अपनी मासी के घर त्रिकुटा नगर रहनी हूँ, दोनों फैमिली का मतलब मेरे को बिल्कुल पूरा सपोर्ट है कि तू कर तू कर, म्यूजिक पढ़ाई करनी है के? हाँ जी, म्यूजिक में मैं कर रही हूँ BA। अच्छा, तो अब मैं सोच इस पासे लक लग जाता, फिर जे इस पासे ताला खुल जाता किस्मत का, फिर इधर लग जाओगे उधर भी कर दे, जम्मू दी कुड़ियां ना पढ़ाई च डांस च केड़ी फील्ड नहीं जिदे विच अग्गे ने, हुण ते साडे जम्मू च लाफ्टर फेस्ट शुरू हो गया है, ते लाफ्टर फेस्ट भी कुड़ियां सब तो अग्गे ने, डोगरी च तुसीं सुन लो, तुसीं हिंदी च सुन लो, तुसीं किसी भी लैंग्वेज च सुन लो, ते कुड़ियां शाए करदियां ने, कुड़ियां किसी भी वल पिछे हैं नहीं ने, ते उम्मीद इह रहेगी कि जिहड़े जम्मू दे बच्चे ने साडे जम्मू कश्मीर दे बच्चे हर फील्ड च अग्गे जान, हर फील्ड च इन्ना वधिया काम करन कि पूरे हिंदुस्तान च साडे जम्मू कश्मीर दे बच्चियां दा सब तो अव्वल नां ते आए। पिछे अस मतलब क्लास जो बाहर निकलने तो फोन आ रहे होंगे, ज्योति दीदी एक मिनट इधर आए, सिर्फ 10 मिनट सहायो, सिर्फ 10 मिनट, इन्ना मनते हैं मतलब कॉलेज मतलब साढ़े जम्मू कश्मीर च हर फील्ड एक्सेल करे कर दिया ने, अज लाफ्टर फेस्ट चले करता इतने रेडिसन ब्लू बिच, तो इतने भी कुड़ियां पिछे हैं नहीं अगे ने, सब तो अगे चले कर दिया ने, तो जिस वेले मैं इनकी स्टैंड अप कॉमेडी सुनी मैं सोचा इन्हें नाल गल करना बनता है, इन्होंने मैं तुम्हें सब तो पहले दस तुहाडा नाम दसो पहले। ज्योति। ज्योति जी, तुसी डोगरी च बड़ी जबरदस्त जिहड़ी कॉमेडी है वो सुनाई, एक बार साडे व्यूअर्स नूं भी सुना दिओ। जी जरूर, सब तो पहले तुंदे सारे दा मता धन्नवाद कि तुसी मैं इस काबिल समझा कि तुसी मेरे कन्नै गल कीती, ते तुंदे सारे दा धन्नवाद करनी आ, ते मैं सब तो पहले एक मैसेज देना चाहगी कि साडी डोगरी जिथे भी चली आचे साडी डोगरी ना कुसै कोला घट नहीं है।
खंड मिठे लोग डोगरे ते जिन्ने लोग मिठे ना भाषा ओह्दे कोला भी ज़्यादा मिठी है। सानू डोगरी बोलनी चाहिए, जाननी चाहिए ते पढ़नी चाहिए। हुण मैं सुनानी अपनी कॉमेडी बारे। कॉलेज विच जियां कि ए मेरे जूनियर और मेरे क्लासमेट उन्हें पूछते दो कॉलेज लाइब्रेरी के पिछे अस मतलब क्लास जो बाहर निकलने तो फोन आ रहे होंगे ज्योति दीदी एक मिनट इधर आए सिर्फ 10 मिनट सहाय सिर्फ 10 मिनट इन्ना मनते हैं मतलब कॉलेज मतलब दसो ये इस पास ध्यान कि आ गया ये ज़्यादा मतलब कि अस जिंदा ना लैना चाहिए जिंदी वजह कन्नै अस इतने आए हैं अज अस साढ़े प्रोफेसर ने डोगरी डिपार्टमेंट के गंगा शर्मा मैम वो हर चीज़ सानू अगे गै भेजदे न अगे गै भेजदे न हमेशा च जदों ये साढ़े कॉलेज साढ़े ग्रुप में मैसेज आया ये वास्ते कि साढ़ा ऑडिशन होना कॉलेज में उसके बाद कॉलेज में के ना कोई प्रैक्टिस ना कुछ लाफ्टर च पहले तो ही थोड़ा ध्यान सी किस वाले या घर ही असं मजाक करते सोच रहे यार मेरा कैरियर वैसे इस पास भी बन सकता है कैरियर सारा हर पास जिधर चली अस उधर गए सारा डोगरी भी हर गल्ला च बड़े माहिर होंगे ना। अच्छा तो साढ़े बच्चे इं भी अस बड़े एक्सपर्ट हाँ। तो मैं तुसेंगी एक निक्की जी गल सुनागी अपने परेड कॉलेज उपर गए मैं कुसै दे कॉलेज का नाँ नहीं लैगी सिर्फ अपने कॉलेज उपर गए सुनागी परेड कॉलेज दी कुड़ियां ते कन्ने उंदे जान सारी कुड़ियां ध्यान नाल सुनियो परेड कॉलेज की लड़कियां और उनके जाना परेड कॉलेज की लड़कियां और उनके जाना बाहर की खलोते दे जरा ते अंदर आना ते सारे की हसना चाहिदा है हसने कन्ने साढ़े सेहत भी ठीक रौंदी है ते ज़्यादा कोला ज़्यादा हसो तुसें भी ते साढ़े एक चैनल भी है तुंदे चैनल दे माध्यम कन्नै मैं अपने चैनल दी भी प्रमोशन जरूर करगी। साढ़ा चैनल है डोगरी लैंग्वेज की प्रमोट करने वास्ते साढ़े कॉलेज दे डोगरी डिपार्टमेंट दे सारे बच्चे मिलिए बनाए दा है उस चैनल दा नाम है डुगर डोगरी ते आऊं। अच्छा डुगर डोगरी ते आऊं हाँ ते उस चैनल की तो सारे सबसक्राइब करियो ते वीडियो की लाइक शेयर ते कमेंट करियो उदे पर जिन्या मर्जी तुसी हसी वाली वीडियो तकियो कन्ने लाइक भी करे ते कन्ने खुलिए हसियो भी। अच्छा मैं दसो हाँ कि तुसी बड़ी जबरदस्त कॉमेडी की थी। हाँ जी माँ प्यो कदे कहंदे नहीं कि पुत पढ़ाई करो कोई काम करो शैल जी ये केड़े काम लगे रहे हो। नहीं नहीं कल ही मेरे भरा ने मैनू गालां कढ़ियां मतलब उन्हें मेरी इन्नी कुत्ती हालत की थी, इन्नी बुरी हालत की थी उन्हें मेरी। पहले मैं रेडिसन ब्लू बिच हाँ तो अंदर इस वेले एम्ब्रेशिया विच अंदर ऑडिशन चले करते हैं लाफ्टर फेस्ट ते एक बच्चा जेड़ा है ऑडिशन तो मैं चाके बाहर लाई मैं सोचा इन्हें गल करने इन्हों नाम आयुष है मैं दसो आयुष ये लाफ्टर के ट्रैक तो कि आ गए तुम। पहले तो सुनाना कि मैं बच्चा तो नहीं हूँ बड़ा हो गया हूँ थोड़ा तो लाफ्टर के ट्रैक चाहिए कि मज़ा आ रहा थोड़ा सा तो इसलिए कर रहे हैं मज़ा। पढ़ाई जमा नहीं लगता नहीं पढ़ाई में मन तो है लेकिन वही है नौकरी तो है नहीं अब थोड़ा ये भी करते हैं मुझे लोग आते हैं तो उनको जोक सुनाते हैं जहाँ पे पोइट्री शोइट्री लोग सुन रहे हो वहाँ पे हम अपना सुना देते हैं। अच्छा तो इवेंट बढ़ जाते हो बढ़ जाते हैं। अच्छा। तो पसंद आ गए ठीक है नहीं तो नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ जी। अच्छा कदे कोई एक्सपीरियंस दसोगे हो जो तुम परफॉर्म कर रहे हो। परफॉर्म एक बार ही गया था मैं कोई नहीं हंस रहा बिल्कुल डेड पड़ा हुआ एक बंदा आया माइक लेके गया था अब नहीं करना तुम्हें परफॉर्म कर रहा हूँ मेरे शो के चलते उस वेले या मतलब डीमोरलाइज्ड तो फील हो गया नहीं डीमोरलाइज नहीं अगले दिन फिर डीट चढ़ गए स्टेज पे फिर डीट आता रहा चढ़ गए स्टेज पे बिल्कुल। अच्छा फिर वो बंदे ने की क्या बंदा मिला नहीं ना मैं उसको जानता ना वो मुझे जानता। अच्छा अगले दिन बजी दाड़ियां अगले दिन बड़ी बजी दाड़ियां बिल्कुल। अच्छा कितने साल हो गए ने फिर स्टैंड अप कॉमेडी करते करते यही 1.5 साल अभी 1.5 साल पढ़ाई करते हो। हां करता हूं की पढ़ते हो मैं इंजीनियरिंग करी है जीसीटी से सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा तू इंजीनियर हो। हाँ जी बिल्कुल तो और क्या आजकल इंजीनियरिंग के अलावा होता क्या इंजीनियरिंग तो बेसिक कोर्स हो गया ना आजकल 12th के बाद वो तो करना ही करना है उसके बाद बाकी डिसाइड करता बंदा फ्यूचर में क्या मतलब इंजीनियर या कार वाले ने दसने वास्ते कि आपा पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हैं वही 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 रिश्तेदार थे वो सब। हां ते उन जिसले तू घरों बाहर निकले ते दस के आयो की बोले दोस्तों ना मिलन चले हो किथे चले हो। मैं दोस्त का चला। अच्छा जी उन्होंने पता लग जाए कि पुत साडा अंदर रेडिसन ब्लू दे अंदर स्टैंड अप कॉमेडी करे करता है कुछ नहीं बोलेंगे तो क्या ही लेकिन अभी कुछ बोलेंगे तो कुछ नहीं क्या ही बोलेंगे। मम्मी पापा दोनों सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट कौन है
स्ट्रिक्ट तो वो बचपन में होता था ना, अब तो क्या ही, अब खुद समझदार हो गए थोड़े से टच वुड, लेकिन तो अब स्ट्रिक्टनेस का तो है नहीं, अब खुद अंदर से होता ही। बहन पर आया थोड़ा भी? हाँ जी, दो बहन है। उन्होंने पता? मतलब उनको भी कंफर्म तो कुछ नहीं पता, लेकिन आइडिया है मोटा मोटा कि ऐसे ऐसे कुछ करता रहता है। अच्छा, करता रहता है, करता है, कुछ कुछ जाता कहीं पे कुछ करता। अच्छा चलो फिर थोड़ी जी माड़ी अपनी कॉमेडी सुना दो। कॉमेडी के लिए लाइव शो पे आओ, मैं उसमें ज्यादा अच्छा सुना सकता हूँ, लेकिन अब बता रहे हो तो मैं बताता हूँ। जैसे मोटी त्रै चार लाइना सुना दो जिसे ना साडे व्यूअर्स भी हंस लें थोड़े। मैं ना आलसी बहुत ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ, मैं इतना आलसी हूँ मैं पानी घट पीना जी मूतने नहीं जाना पड़े बार बार। हाँ मैं एक बार साढ़े होता ना रात की कंबल लेके बैठते हैं कि लाइट बंद करने वाला कोई आ जाए, कभी होता होगा आपके साथ भी कि ऐसे यार लाइट बंद कर दे कोई, इतना आलस आ रहा है। लेकिन हमारे जम्मू में लाइट ही नहीं आती, तो हम एक कदर ही हम वेट कर रहे हैं आधा आधा घंटा, कब आएगी कब आएगी कब आएगी, अच्छा आ गई, ओ चली भी गई, कब आएगी कब आएगी, फिर वही चल रहा। अच्छा उन मिंदसो तभी बोला कि लाइव आओ, अभी फ्लोर नहीं बना, अभी मजा नहीं आया, लेकिन मैं जाता हूँ। अच्छा मिंदसो उन ऑडिशन अंदर चलते पे जी, तो उम्मीद की लैके आयो फिर आज? उम्मीद यही है परफॉर्म करेंगे, जो हुआ अच्छा तो ठीक है, नहीं तो कल फिर से डेट चढ़ जाना स्टेज पे। अच्छा मतलब ये जितने जितने ना नहीं तो ही प्लान अपने दिल जीतने का, तो चलो एक होता ही है बैक एंड पे कि जीत जाए बंदा, लेकिन वही है रिजल्ट को देख के कभी काम नहीं करना चाहिए। अच्छा उन कंटिन्यू आगे ए लाफ्टर स्टैंड अप कॉमेडी वाली है एहो ट्रैक फड़ना के इंजीनियर रनिंग साइड भी मूव करना है? दोनों जगह एक ही जगह, दोनों जगह पैर फसाने नहीं जी बिल्कुल, और क्या। अच्छा जी किस दिन फिर मां-पिओ को पता लग जाए फिर जेले इधर कुछ बड़ा होगा तो सुना देंगे। फिर तो लाइव शो दे लेके आएंगे उनको और क्या। अच्छा अरे साड़ी जम्मू च पहली बार एहो जा फेस्ट हुंदा पया? नहीं नहीं दूसरी बार हो रहा, पहले इन्होंने करवाया था गोरखपुर आए थे पिछली बार, हाँ तो वो दूसरी बार हो रहा है, उससे पहले एक बार ही आए थे पहले जाकिर खान, लेकिन यही है ओपनिंग लोकल आर्टिस्ट को ये पहली बार कर रहे हैं 92.7 बिग एफएम वाले। अच्छा। कि लोकल आप परफॉर्म करो और ऑडिशन ले रहे हैं लेजिट, ऐसे कोई वो नहीं फर्जी कि तू आ जाना ये कर लेना प्रॉपर। अच्छा परफॉर्म करने के बाद फिर जीत जाते हैं, फिर अगे का की रहूगा? आगे तो कुछ नहीं, परफॉर्म करने देते बड़े बड़े गौरव कपूर गौरव गुप्ता जैसे, उनके साथ स्टेज शेयर करने का अगर मौका मिल रहा है तो अच्छी बात है। बाहर जाना मौका मिले वो तो चलो बात की बात है, अभी जो छोटे छोटे स्टेप्स ही हैं ले लेके बड़ा अच्छा इंटरव्यू लेते हैं मजेदार। देखो इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना सब नहीं, साटे बारे नहीं अपने बारे कुछ कह दो। मेरे लिए यही कि लाइव शो में आओ और क्या ही है, बाकी देखोगे किसी दिन बाद में, अभी भूल जाओगे तुम, बाद में मिलते हैं। आयुष तुसी वेख लिया थोड़ी चेर बाद इन दा ऑडिशन होने वाला है, कोशिश करांगे तुहानू दसन दा।